हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है लीगल सेंस कंट्रोल। और ये प्रोजेक्ट हमने सिस्टम की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बनाया। मीन्स कि मान लीजिए कोई भी बंदा आकर आपके सिस्टम पे यूएसबी अपनी टच करता है, यूएसबी डिवाइस को टच करता है, पेन ड्राइव को टच करेगा, तो वो आपके डाटा को कॉपी कर सकता है या आपके सिस्टम में कुछ डाल सकता है, वायरस वगैरह कुछ भी। तो इसी चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट तैयार किया। इस प्रोजेक्ट में होगा क्या, इसका मेन काम क्या होगा कि मान लीजिए कोई भी आकर आपके प्रोजेक्ट पे यूएसबी अटैच करेगा, उसकी यूएसबी अटैच नहीं होगी जब तक आप उसको परमिशन नहीं देंगे। मीन्स कि उसकी यूएसबी को आप सिस्टम पे रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक उसकी यूएसबी आपके सिस्टम पे नहीं चलेगी। मीन्स कि अपने आपके पास पावर रहेगी कि आप कौन सी पेन ड्राइव चाहते हैं कि सिस्टम पे चले और कौन सी पेन ड्राइव चाहते हैं कि सिस्टम पे नहीं चले। जो पेन ड्राइव सिस्टम पे चले आपको वो ऑथेंटिकेट करनी होगी। जो चाहते हैं नहीं चले उस वो तो डिसऑथेंटिकेट ऑलरेडी रहेगी। तो चलो प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने प्रोजेक्ट को रन किया और आपको पेन ड्राइव को ऑथेंटिकेट करने के लिए आपके जो यूजर नेम होगा उसके थ्रू आपको लॉगिन करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये लॉगिन कर रही हो गया हमारा, अभी क्या प्रोजेक्ट हमारा वर्क कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी जो एसवी की डिवाइस लगा पेन ड्राइव लगाई मैंने, देखिए अपने आप रिमूव हो रही है और रिमूव हो गई। देखिए यहाँ पे पेन ड्राइव अभी नहीं है, एक बार फिर से मैं निकाल के लगाऊंगा। ये मैंने निकाली एंड फिर से लगाई, पेन ड्राइव आ गई। ये देखिए अपने आप रिमूव भी हो गई। अब मैं क्या करूँगा, इस पेन ड्राइव को चाहता हूँ कि ऑथेंटिकेट करना जब पेन ड्राइव मेरे सिस्टम पे लगे और मैं कुछ डाटा कॉपी करूँ, तो उसके लिए ऑथेंटिकेट यूजर में जाएंगे, पेन ड्राइव को लगाएंगे, डिवाइस आईडी से डिटेक्ट कर ली, देन एक बार रिमूव होगी। उसके बाद आप कुछ भी यूजर नेम दे सकते हैं, डेट डाल सकते हैं, देन ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे तो जो स्वी ड्राइव जो है डिवाइस जो है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, निकाल के फिर से लगाऊंगा तो देखता हूँ कि पेन ड्राइव रिमूव नहीं हो रही है। रिमूव क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमने ऑथेंटिकेट किया है इस पेन ड्राइव को और हम डिटेल भी जान सकते हैं कि कौन कौन सी पेन ड्राइव जो है वो ऑथेंटिकेट है। तो अभी यहाँ पे दो पेन ड्राइव शो कर रही है जो ऑथेंटिकेट है, और उसके अलावा हम हिस्ट्री भी जान सकते हैं कि कौन सी पेन ड्राइव जो हमारे सिस्टम पे लगी थी कब लगी थी। तो यहाँ से उसकी हिस्ट्री दिख जाएगी आपको। इसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि कोई और है वो भी जो एसवी को ऑथेंटिकेट कर सके, उसके लिए आप क्या करेंगे, न्यू यूज़र भी बना सकते हैं। यूज़र नेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड करेंगे तो न्यू यूज़र क्रिएट हो जाएगा। अब जो न्यू यूज़र क्रिएट होगा वो भी सेम ऐसे ही कर सकता है, किसी पेन ड्राइव को ऑथेंटिकेट कर सकता है। और अगर चाहते हैं कि इनमें से कोई पेन ड्राइव मैं डिसऑथेंटिकेट कर दूँ, डीऑथेंटिकेट कर दूँ, तो उसके लिए आपको डिसऑथेंटिकेट में जाना होगा और यहाँ पे डिवाइस आईडी सेलेक्ट करनी होगी। जैसे जो अभी मैंने पेन ड्राइव लगाई उसकी डिवाइस आईडी देखते हैं क्या है। तो यहाँ से डिवाइस आईडी पता चल जाएगी, गगन जो नेम डाला था मैंने, और डिवाइस आईडी 6C59D9E8। तो अभी डिसऑथेंटिकेट में जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए C659 के नाम से डिवाइस आईडी आ गई। इसको मैं कंफर्म करूँगा तो मैसेज आएगा, आईडी सक्सेसफुली रिमूव्ड।
अगर कोई इस प्रोजेक्ट को खरीदना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है।